नमस्कार, मेरे चैनल पे आज चौधरी पुष्पिंदर जी है जो कृषि को पूरी अच्छी तरह जानते हैं और उनका अपना उत्तर भारत में बहुत बड़ा संगठन है। सर, आपको मेरे चैनल में आने का बहुत बहुत स्वागत। सर, थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को और जो अपना एजुकेशन छात्र ले रहे हैं, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी अपना विभागों में अपना पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक दो चीजें आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेन जो अपना रबी की फसल क्या होती है और वो किस सीजन में आती है और कब आती है। देखिए, हमारे देश में दो मुख्य फसलों के सीजन है, एक रबी है, दूसरा खरीफ है। रबी का मतलब है जो सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर के बीच में जिनकी बुआई होती है और जो तैयार होकर के मार्च से अप्रैल मई जून ये इसमें उसकी कटाई होती है, ठीक है, इसको कहते हैं रबी की फसलें। इसमें जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, ये तमाम फसलें, मसूर की दाल है, ये सारी की सारी फसलें जो है ये रबी में आती हैं। और इनका जो बुआई का सीजन, जैसे मैंने बताया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में अलग अलग समय पर होता है अलग अलग क्षेत्रों में, और मार्च अप्रैल के आसपास इनकी कटाई होती है। तो मुख्य रूप से ये है, और सबसे बड़ी फसल रबी की गेहूं है जिसका लगभग 10 करोड़ टन का उत्पादन जो है हमारे देश में होता है। इसी प्रकार आलू और प्याज, आलू भी रबी की ही फसल है जो अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, इसका करीब 5.25 करोड़ टन का उत्पादन हमारे देश में प्रतिवर्ष हो रहा है। इसी प्रकार जो आपकी प्याज की फसल है वो दोनों सीजन में आती है, लेकिन रबी वाली जो प्याज होती है वो उत्पादन उसका 65% है देश में, और 30-35% खरीफ और लेट खरीफ में उगाई जाती है प्याज। प्याज का टोटल उत्पादन हमारे देश में 235 लाख टन है। तो ये 3-4 फसलें हैं जो मुख्य फसलें हैं, इनके विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी।